हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइज कोचिंग क्लासेस। विषय हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई। आज हम कविता चार छापा, जिसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य जी, इनकी ये कविता का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। कवि ने यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी जो उनके घर पर क्या करते हैं, छापा मारते हैं, कवि के घर पर छापा मारते हैं, और छापा मारने के बाद जो वहाँ पे एक स्थिति निर्माण हुई है उसका यहाँ पे एक व्यंगात्मक एवं रोचक चित्रण यहाँ पे कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने किया है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने छापा मारने वालों की जो कार्यप्रणाली है और आम आदमी की जो आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण भी इस कविता के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने रखा है। इसके साथ साथ कविता ने ये जो अपनी व्यवस्था है उस व्यवस्था से, जो शासन की एक व्यवस्था है उस व्यवस्था से एक ज्वलंत ऐसा प्रश्न भी पूछा है। और ये जो प्रश्न पूछा है कि जबकि वह अनधिकृत रूप से जो कोई अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेता है, तो अधिकृत रूप से जो अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते, ऐसा भी एक ज्वलंत प्रश्न कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने इस कविता के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों को, मतलब व्यवस्था को किया है। चलो तो ऐसी एक हास्यात्मक व्यंग्यचित्र वाली कविता जिन्होंने ओम प्रकाश आदित्य जी ने हमारे पास रखी है, तो उनका परिचय और कविता पद्य संबंधी के बारे में उनको क्या लगता है इस कविता के माध्यम से हम देखते हैं। कविता का नाम है छापा, ओम प्रकाश आदित्य, इनका हम परिचय कर लेते हैं। आदित्य, ओम प्रकाश आदित्य ये जो कवि है, इनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है, मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। परिचय के दौरान ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य शिखर के पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे, मतलब उनकी जो भी कविता है ये हास्य व्यंग के आधार पर ही, मतलब वो उन्होंने परंपरा है उनकी और हास्य व्यंग के रूप से ही हमारे सामने उन्होंने रखी हुई है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, एक काव्य संग्रह आदि उनके बहुत ही फेमस है। पद्य संबंधी, जैसे कि मैंने शुरू में आपको उस पद्य संबंधी में आपको मैंने जानकारी दी है, फिर भी हमारे पाठ्य पुस्तक में जो जानकारी दी है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति और छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंगात्मक हास्य उत्पन्न करता है। चलो तो हम अभी इस कविता का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसका सरल अर्थ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो क्या दिया है अभी देखो, मेरे घर पर, जस्ट अ मिनट, मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं भूत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे जुंझाल कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नवी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। ओके, तो अभी यहां पर वे उद्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है।
परीक्षा से एक महीने पहले करूंगा तैयार। बराबर है। तो कवि को उन्होंने प्रश्न किया और कवि उनको कविता के भाषा में उनको उत्तर दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे छापा माने, छापा का अर्थ हम देखते हैं, छापा माने क्या? तो यहाँ पे हम बोलते हैं ना, एक रेड बोलते हैं, रेड इंग्रजी में उसको रेड बोलते हैं, बरोबर है। आणि मराठीमध्ये आपण पाहायला गेलो तर त्याला आपण काय म्हणतो की छापाच म्हणतो, छापा टाकणे, बरोबर। सोना, यहाँ पे सोना मतलब हम जो सोते हैं रात को वो सोना नहीं है, तो जो हम एक धातु के सोने के गहने हम जो बनाते हैं ना, उसको यहाँ पे सोना कहा है। और यहाँ पे कवि ने अर्थ क्या लिया है, सोना माने नींद। ओके, तो वो सोना उनको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए जो अधिकारी है वो अधिकारी ने क्या बताया, स्वर्ण। स्वर्ण माने सोना, आभूषण हम कहते हैं उसे। और कवि ने उस स्वर्ण को सुवर्ण में वापस कन्वर्ट कर दिया। सुवर्ण माने यहाँ पे सुंदर अक्षर, ऐसा यहाँ पे अर्थ ले सकते हैं, बराबर है। बाद में हम कहेंगे कि झुंझलाना मतलब क्या, झुंझला कर बोलना मतलब क्या, चिड़चिड़ा होते बोलते, बोलते ना अपन चिड़चिड़ झाली आता कि मत चिड़चिड़ा हूँ बोलने, याला अपन मतलब झुंझला कर बोलना, बराबर है। और अनधिकृत के मतलब क्या, कि जिसके लिए अधिकार न मिला हो ऐसा। और अर्जित माने क्या, अर्जित माने किस प्रकार प्राप्त या एकत्र किया हुआ, ऐसा यहाँ पे अर्थ हम ले सकते हैं। और यहाँ पे अर्थ माने संपत्ति, पैसा, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन कविता ने यहाँ पे जो अर्थ यहाँ पे लिखा है, उस अर्थ का अर्थ है कि साहित्य में मतलब ऐसा निकल के आता है। कड़क कर मतलब क्या, कड़क कर बोलना, कड़क कर मतलब एकदम तेज स्वर में बोलना, ऐसा यहाँ पे हम बोलते हैं। और यहाँ पे चांदी का जो यहाँ पे मीनिंग लिया है जो अधिकारियों ने, तो चांदी मतलब एक धातु है, चांदी सोना है, सोना चांदी एक धातु है। लेकिन कवि ने वापस यहाँ पे बोला है, मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे क्या, चांदी। तो कवि ने जो बोला हुआ है चांदी, वो चांदी मतलब क्या, बालों की चांदी मतलब सफेदी, ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और उद्भ्रांत मतलब क्या, तो उद्भ्रांत मतलब हैरान होके, ऐसे यहाँ पर हम कह सकते हैं। और यहाँ नोट मतलब क्या, तो रुपये का नोट यहाँ पे पूछा है। लेकिन कवि यहाँ पे नोट माने परीक्षा का टिप्पण, हम कहते हैं ना परीक्षा में जो करने वाले हम निकालते हैं नोट, निकालते हैं नोट्स, जो नोट्स निकालते हैं, तो कवि उस नोट को इस कविता के रूप का नोट यहाँ पे अर्थ लेता है। और परीक्षा माने हम कहते हैं इम्तिहान, हिंदी प्रॉपर हिंदी में हम उसे इम्तिहान कहते हैं। तो चलो, तो अभी कवि कैसे कैसे उनको बोलते हैं, तो ये जब हम समझ के लेते हैं, ठीक है। मेरे घर में, घर पर घर छापा पड़ा, बराबर है, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। कवि कहते हैं कि आयकर विभाग का उनके घर पर क्या पड़ा है, छापा पड़ा है। और वह छोटा मोटा छापा नहीं था, बहुत ही बड़ा छापा पड़ा है। और अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आते हैं, मतलब उनके घर पर पूछताछ करने के लिए आते हैं, और सीधे घर में घुस जाते हैं और पूछते हैं कि सोना कहाँ रखा है। तो इस पर कवि जवाब क्या देते हैं, मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ, वे रोशमर आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मतलब अभी इसके बाद जब आयकर अधिकारी उनको कहते हैं कि सोना कहाँ है, तो उस पर कवि क्या जवाब देते हैं, कि वो बोलते हैं कि सोना वह तो किस में है, मेरी आंखों में है। क्यों, क्योंकि कई रात मैं सोया नहीं हूँ, ऐसे कवि यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। तो इससे अधिकारी को गुस्सा आ जाता है, रोष में आकर बोलते हैं, गुस्से में आकर वो बोलते हैं कि वे प्रश्नों को स्पष्ट करते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण मतलब क्या, अभी यहाँ पे स्वर्ण मतलब आभूषण हम कहते हैं, लेकिन कवि वापस उसका, वो कवि है ना, तो कवि स्वर्ण का अर्थ कैसे लेते हैं, देखो, मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण, स्वर्ण मैंने अपने काव्यों में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दूं। तो इस पर कवि उनको जवाब देते हैं कि ये जो स्वर्ण है, स्वर्ण मतलब स्वर्ण को वो सुवर्ण से जोड़ते, सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर, वो कहाँ पे है, मेरे काव्य में है, बिखरे हुए है, मैं आपको उसे कैसे दे दूँ।
अभी अधिकारी जो है आयकर अधिकारी वो बहुत ही क्या हो गए, गुस्सा हो गए और झुंझला कर मतलब चिड़चिड़ा हो गए। क्या करते हैं देखो, अभी वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, मैं तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नवी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। सही है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो अधिकारी कवि का जवाब सुनकर बहुत चिड़चिड़ाए और चिड़चिड़े हुए स्वर में बोले हैं, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, हमको ऐसा लग रहा है, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिससे तुम अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। अभी यहाँ पे अर्थ माने पैसा, मैंने आपको पहले बताया संपत्ति, वो कैसे आपने कमाई है अनधिकृत रूप से, जो कमाई हुई संपत्ति है वो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, बराबर है। तो उस पर कवि मुस्कुराकर बोलते हैं, अर्थ माने क्या, इधर कवि के लिए अर्थ मतलब शब्द है, लेकिन उनके लिए अधिकारियों को क्या है, धन संपत्ति है। तो कवि मुस्कुरा हुए बोलते हैं क्या कि अर्थ तो मेरे किस में है, नवी कविताओं में है, जो मैंने नवे काव्य रचे है उस नई कविताएं में आपको मिल सकते हैं, जाओ तुम्हें मिले तो जाओ ढूंढ लो, ऐसा कवि उनको बोलता है। अभी वो वापस बहुत अभी गुस्सा हो गए, गुस्सा होने के बाद क्या कहते हैं देखते हैं। ओके, वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अभी उन्होंने वापस उनको जो अधिकारी थे आयकर अधिकारी फिर से क्या बोलते हैं कवि को, कहते हैं कि तुमने जो छुपाई रखी हुई चांदी है वो निकालने के लिए कहते, चांदी कहाँ पर है, ऐसे वो कड़क कर बोले, मतलब एकदम डटे हुए आवाज में। तो अभी कवि फिर भड़क कर बोले, भड़क कर मतलब वो भी अभी गुस्सा हो गए और बोले, इधर कवि के माध्यम से चांदी माने हमारे जो बाल सफ़ेद होते हैं ना, उसे वो चांदी जैसे सफ़ेद हो गए बाल ऐसे उनको लगा। तो ऐसे इसके लिए बोल रहे कि भड़क कर बोले, मेरे बालों में अभी आ रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, चांदी मेरे बालों में आ रही है। अभी अधिकारी वापस क्या हो गए, चिड़चिड़ा हो गए, उद्भ्रांत होकर बोले, क्या बोले, देखिए यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। उद्भ्रांत मतलब क्या, तो एकदम हैरान होकर बोले, अभी वो बोल रहे हैं कि आपके पास के नोट मतलब रुपए कहाँ है। तो कवि नोट को क्या समझ बैठे, जैसे कि हम नोट्स निकालते हैं ना वैसे नोट्स समझ बैठे। तो वो बोल रहे हैं कि नोट ये तो वे तो ये जो नोट का संबंध विद्यालय के परीक्षा से जोड़कर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा के नोट तो वो परीक्षा के एक महीने ही हम क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अरे बाप रे, बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं लरज कर बोला, ओके मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। ओके, तो ऐसे उन्होंने वहाँ पे इनको अधिकारी वर्ग को क्या किया, आंसर मतलब जवाब दिया। अभी क्या होता है आगे देखते हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए, बराबर है। अभी क्या किया उन्होंने, वे खड़े होकर, कौन आयकर अधिकारी खड़े होकर सोचने लगे और क्या किया उन्होंने, शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष मतलब आपको पता है कि शयन कक्ष माने क्या रहता है कि अपना जो आराम करने का कमरा रहता है उसे हम शयन कक्ष कहते हैं, बराबर है। और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। ओके, समझ में आया रहेगा आपको अर्थ। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, बराबर है। सब पर सब से मिला एक ही तत्व खाली। सब जगह पर उन्होंने ढूंढ लिया, सब कुछ देखा, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनको क्या, सब जगह पर सब मिला एक ही तत्व खाली, एक ही तत्व उनको मिला। क्या कहते हैं देखो अभी कि सब पर मतलब सब देखने के बाद क्या हो गया कि उनको कुछ नहीं मिला, बराबर है। और सब कुछ क्या था, खाली था। कंस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। और कवि यहाँ पे कहते हैं अधिकारियों ने उनके घर में पड़े
कंस्तरों और पानी रखने के मटकों में सब में टटोल कर देखा, लेकिन उन्हें सब क्या मिला? खाली के खाली ही मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और आगे चलकर वो बोलते हैं कि सब जगह पर क्या दिखा, देख रहा है, दिख गया उनको कि सब कुछ देखा, लेकिन उनके कवि के घर में कुछ भी नहीं मिला। तो उनका चेहरा क्या क्या हुआ कि चेहरा मुरझा गया, मतलब उन्हों सोचने लगे कि काफ़ी धन मिलेगा लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको यहाँ पे दिखाई दे रहा। और आगे चल के अभी क्या होता है देखते हैं। और उनके 20 सूचि हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए हमें, किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी सफलता पर वे मन ही असफलता नॉट सफलता अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। अब क्या हो रहा है कि अधिकारियों का गुस्सा अभी क्या होगा, कुछ नहीं मिलने के बाद शांत हो गया। उनके मन में अभी दया के भाव आ गए थे और कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी ने उन्हें गलत सूचना दी और उस गलत सूचना के अनुसार वो क्या करे, कवि के घर पर छापा मारने के लिए आए थे। बराबर है। अभी वापस उस उनके असफलता होने के कारण अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे। उनका जो सिर है शर्म से झुक गया और वो वापस जाने लगे। तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, क्या कहते हैं देखो, मस्त दिया है अभी, सिर मत दुनिए मेरी। ओके, देखते हैं क्या दिया है। सिर मत दुनिए मेरी, एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। सही बात है, बराबर ना। जिनके घर में सोना सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। गौरी बैठी छत पर से। बराबर है। अभी ये सब होने के बाद जब कवि उनको कहते हैं कि आप एक बात मेरी सुन लीजिए, यदि आप छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप क्या करते थे, उसे ले जाते थे। बराबर ना। अगर मेरे घर में अधिक धन होता, धन माने पैसा संपत्ति होता, तो आप उसे क्या करते थे, ले जाते थे। बराबर है। लेकिन ऐसी हालात में मेरी यह स्थिति देखकर आप कुछ धन देकर तो जाइए ना, तो मेरी हालत तो आपने देख ली, मेरे घर में आपको कुछ नहीं मिला, टूटे हुए सब कुछ चीज़ें हैं, तो इसके बजाय आपको अगर मेरे घर में धन मिलता तो आप ले जाते थे, लेकिन अभी मेरे घर में कुछ धन नहीं मिला तो आपका एक कर्तव्य है कि आप मुझे कुछ ना कुछ देकर जाना चाहिए। बराबर कि नहीं। तो जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं, ठीक है, निकलवा लीजिए, ये तो आपका काम ही है निकलवा के लेना। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो आपको करके जाना चाहिए, ऐसा मेरा एक सुझाव है, ऐसा यहाँ पर कवि बोलते हैं। और इस तरह से ये जो व्यंग्यात्मक कवि मतलब व्यंग्यात्मक जो कविता है यहाँ पर आपको समझ में आई रहेंगी, ऐसी आशा करता हूँ। और इस तरह से जो ओम प्रकाश हमारे जो कवि है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर उनके घर पे छापा पड़ने के बाद उनको जो एक सुझाव दिया है अधिकारी वर्ग को, ये बहुत ही अच्छा है। बराबर है। तो इस तरह से ये कविता थी, कविता क्रमांक 4, ओम प्रकाश यादव आदित्य जो इनके कवि थे। बराबर है। तो मेरे ख्याल से ये आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आई हुई रहेंगी और अर्थ भी मैंने बहुत ही सरल अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से कवि ने हमारे आयकर विभाग के अधिकारियों के सूचनाओं के बारे में कि एक कैसे
किस तरह से शब्दों से जोड़कर व्यंगोक्ति में जवाब देते हुए हास्य कविता हमारे सामने रखी है और उसका हमने अच्छी तरह से अध्ययन चयन किया और मेरे ख्याल से आपको ये कविता समझ में आई रहेंगी और इस तरह से ये कविता यहाँ पे समाप्त हो गई ऐसा मैं आपको जाहिर कर देता हूँ। और आपने ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ये जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए रहेंगे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और यह वीडियो देखने के लिए आपको वापस एक बार धन्यवाद।